भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। आपको तो तनु को सहानुभूति देनी चाहिए। सहानुभूति तो तब देंगे ना जब आपको इस घर का कुछ पता होगा। शांतनु के बारे में तुम लोग मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं सर, तुम अपना मुंह खोलो, बोलो। क्या बोलना चाहते हो शांतनु के बारे में? सुनना चाहते हो? सुनना चाहती हो तो सुनो। अगर शांतनु को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं उसके बाप को जाकर बताओ, मिस्टर बजाज को। तनु संभालो अपने आप को। प्रेरणा प्रेरणा दीदी को फोन लगाती हूँ। नहीं खुशी, तुम प्रेरणा बुआ को फोन नहीं लगाओगी। तनु कब प्लीज खुशी प्लीज, तुम प्रेरणा बुआ और मिस्टर बजाज को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी। तनु ऐसा कब तक चलेगा? तनु ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चले गए थे मयंक, नानी माँ कहाँ है? अब नानी माँ को लेकर कहाँ चले गए? उन्हें कहाँ छोड़ा है? मयंक आपका मोबाइल हमने कितनी बार ट्राई किया, वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। मयंक भगवान के लिए कुछ तो बताइए, हमें बहुत डर लग रहा है। मयंक कहाँ है? नानी माँ मयंक उठिए तो। मयंक शीतल, मयंक आजकल काफी परेशान है, मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम मयंक के चक्करों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। पहले भी तुम मयंक के कारण कई बार प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हो। शीतल पहले की बात और थी। देखो मयंक अब वो मयंक नहीं रहा, वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि देवयानी जी उसे बार बार सिर्फ इसलिए तंग कर रही हैं कि उसके अंदर का अच्छा इंसान बाहर ना सके और वो पहले जैसा शैतान बना रहे ताकि वो उसका इस्तेमाल करती रहे। तुम्हें ये सबसे क्या लेना देना है अकुल, तुम अपना काम देखो। शीतल ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गोदावरी जी ने खुद फोन किया था डैड को, रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग पूजा और मयंक की हेल्प करें। अब तुम खुद बताओ उनकी बात को टाला जा सकता है क्या? तो पापा है ना गोदावरी जी की बात सुनने के लिए, समझने के लिए, उनको ढूंढने दो तारा को। तुम क्यों खुद को इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हो? पापा ने कंपनी के काम की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, तुम उसी पर ध्यान दो। शीतल अगर कंपनी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है तो ऐसे बुरे वक्त में मयंक की हेल्प करना भी मेरी जिम्मेदारी है, उसके अंदर की अच्छाइयों को ग्रहण लगने से बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है, समझी तुम? अकुल इस घर से तुम्हारा एक रिश्ता है, इसलिए इस घर के हर व्यक्ति के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मयंक से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। है रिश्ता, मयंक से मेरा इंसानियत का रिश्ता है। और शीतल तुम अपने स्वार्थ में इतनी तो अंधी मत बनो कि इंसानियत के रिश्ते को भूल जाओ। और देखो मैं मयंक की हेल्प करूंगा और जरूर करूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मयंक दरवाजा खोलो, मुझे निकालो यहां से बाहर। मयंक दरवाजा खोलो। पर मंदिरा को कैद किया था, उसी तरह से आज मुझे कैद कर लिया है। क्या करूं? मैं तुम गलत कर रहे हो, मुझे यहां
यहाँ इस कमरे में बंद कर देने से तुम्हें तारा का पता नहीं मिलने वाला। तारा का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा, आज नहीं तो कल आपसे मैं पता उगलवा लूंगा। इसका मतलब तो मुझे हाँ जान से मार दूंगा आपको। डर लग रहा है ना आपको? चाहता तो यही हूँ कि खत्म कर दूं, एक बार किस्सा ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपने रिश्तों की मर्यादा तो रखी नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि अभी तक भी मेरे दिल में आपके लिए प्यार और इज्जत बाकी, लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आप तब तक इस कैद से निकल नहीं सकती जब तक आप मुझे तारा का पता नहीं बता देते। यही पड़े रही आप। मयंक, मयंक दरवाजा खोलो। क्या करूं मैं? कैसे दरवाजा खोलूं? कैसे निकलूं बाहर? दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मयंक, नानी माँ कहाँ है? मयंक, आपने नानी माँ के साथ क्या किया? मयंक, हम आपके हाल जोड़ते हैं, आप नानी माँ के साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। सब जानती थी ना तुम, सारी सच्चाई पता थी तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम खामोश रही। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि कहीं मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मर गया मैं ये सुनकर। तो अब कौन सा जी रहा हूं? तेल तेल करके मर रहा हूं रोज। समझ गया मैं कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, क्योंकि तारा तुम्हारी अपनी बेटी नहीं थी। अगर उस प्यारी सी बच्ची ने तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता तो तब भी तुम यही करती? जवाब दे मुझे। मयंक, कैसा इल्जाम लगा रहे आप हम पर? आप जानते हैं झूठ बोल रही है तुम। हमने तारा को अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया है। सब झूठ है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम खामोश क्यों रही, ये बात अब समझ में आती है मुझे। तुम्हें इस बात का डर नहीं था, तुम्हें इस बात का डर बिल्कुल नहीं था कि कहीं मैं ये बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं। तुम तो ये चाहती थी कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए। हाँ, आखिर कब तक एक गैर औरत का खून तुम अपने सीने से लगा कर रखती? और जैसे ही पता चलेगा मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बैठो। आंटी, डैड ने आपसे कहने के लिए भेजा था कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। आपको भी तारा की कोई खबर नहीं मिली अभी तक? नहीं अंकुर, अब तक कुछ नहीं पता चला। पता नहीं देवयानी ने तारा को कहां गायब कर दिया है। जहां तक मैं जानती हूं, पूजा ने कहा था देवयानी ने तारा को उसके पिता तक पहुंचा दिया है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आंटी, क्या पता देवयानी जी झूठ बोल रही हो? उन्होंने तारा को चुपचाप किसी के साथ इस शहर से बाहर भेज दिया हो? पता नहीं, लेकिन इस वजह से पूजा और मयंक की जिंदगी में बहुत सारी उलझनें आई हैं। बहुत परेशान है वो दोनों। यही तो चाहती होंगी देवयानी जी कि पूजा और मयंक दोनों हमेशा परेशान रहें। पता नहीं, मयंक बहुत गुस्से में था, देवयानी को लेकर घर से निकल गया, उसके बाद उसे कहां छोड़ाया पता नहीं। मैं तो ये सोचकर घबरा रही हूं कहीं गुस्से में देवयानी के साथ वो कुछ गलत न कर बैठे। बेटा, तुम जरा उसकी मदद कर सकते हो? आंटी, मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं मयंक की कुछ हेल्प कर सकूं, लेकिन एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ उसको मैं। हाँ तो लगा। जी आंटी, आपका नंबर देखकर वो रिसीव नहीं करेगा, मैं अपने सर से करता हूँ।
ऑफ जा रहा है। मम्मा पूजा के साथ कुछ नहीं। मम्मा नानी माँ का तो पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन पता नहीं मयंक को क्या हो गया है। बहुत गुस्से में है, न जाने हमसे भी क्या उल्टा सीधा कहा। कहने लगे कि तारा तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए तुमने सारी सच्चाई जानते हुए मुझे अंधेरे में रखा। मम्मा आप ही बताइए, क्या हमने तारा को अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार नहीं किया? बेटा वो इस वक्त गुस्से में, शायद इसलिए ऐसे कह दिया होगा। गुस्से में है तो क्या हम पर कुछ भी इल्जाम लगाएंगे वो? मम्मा आप तो जानती हैं, हम तारा को दिलो जान से चाहते हैं, और तारा के लिए ही हमने नानी माँ की सारी जातियां सही। मयंक तो ये सब जानते हैं, फिर इस तरह की बात का क्या मतलब है मम्मा? बेटा इस तरह तुम टूट जाओगी तो अपना परिवार कैसे संभाल पाओगी? तुम्हें हिम्मत से और प्यार से मयंक को संभालना होगा। तुम मयंक के पास वापस चली जाओ, वो अकेला है। हम वापस क्यों जाएं मम्मा, फिर से उनके इल्जाम सुनने के लिए? नहीं पूजा, ऐसा नहीं कहते बेटा। वो तुम्हारा पति है और तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हें कितना प्यार करता है। पूजा इस वक्त वो बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसा कह दिया होगा। इस बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ बेटा, तुम्हारी जरूरत है उसे, चली जाओ उसके पास। आंटी मैं पूजा को घर छोड़ते हुए निकल जाऊंगा। ठीक है पूजा, मैं हर कीमत पर तारा को ढूंढ कर लाऊंगी। अपनी मामा पर भरोसा है ना? हाँ मामा। तो ठीक है, अब तुम मयंक के पास चली जाओ। जैसे ही तारा मिलेगी तुम उसे लेकर मयंक के पास जाना, फिर वो कभी नहीं कहेगा कि वो तुम्हारी बच्ची नहीं है। ठीक है? ठीक है मामा। मैं उस आदमी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ जिससे दियावानी जी तारा के बारे में बात कर रही थी, लेकिन ये बात मैं गोदावरी जी को बताऊं या नहीं? इसमें जाओ बेटा। जी आंटी। और मुझे फोन करना। जी आंटी। नमस्ते। चलो पूछो। बाय मामा। तनु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर साहिल भैया ने अनन्या को जबरदस्ती कहीं छुपाया हुआ है तो उसने तुम्हें क्यों नहीं फोन करके बताया कि वो जहां पर भी है ठीक है? अगर वो नहीं चाहती थी कि किसी को मालूम पड़े तो कम से कम तुम्हें तो बता सकती थी। अगर वो तुमसे रिक्वेस्ट करती तो तुम उसकी रिक्वेस्ट नहीं टालती। यही तो बात है खुशी, जिसकी वजह से मुझे अनन्या पर शक हो रहा है। लेकिन खैर मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती। इस वक्त तो मुझे सिर्फ शांतनु की चिंता है। खुशी उसे जरा जूस तो पिला दो, उसने सुबह से ठीक तरह से दूध भी नहीं पिया। अभी तो बेचारा सोया है, इतनी तकलीफ में है। तुम चिंता मत करो, वो जब रात को उठेगा तब मैं उसे दूध पिला दूंगी। ठीक है अनन्या का फोन है, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। अरे फोन तो उठाओ, देखो तो सही वो क्या बोलना चाहती है तुमसे। हेलो। थैंक गॉड तनु तुमने मेरा फोन उठा लिया, नहीं तो मैंने तो सोचा था तुम मेरा नंबर देखते ही डिस्कनेक्ट कर दोगे। जिसका दिल साफ नहीं होता ना अनन्या, वही ऐसा सोचता है। तुम जो चाहो कह सकती हो तनु,
अपनी बड़ी बहन माना है मैंने तुम्हें तो मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। इन बातों का अब कोई भी मतलब नहीं अनन्या। और एक बात और, मैं तुम पर अपना कोई भी अधिकार नहीं मानती। हम दोनों के बीच में जो भी मीठा रिश्ता था वो तुमने खुद ही खत्म कर डाला। आज मैंने ये फोन तुमसे माफी मांगने के लिए ही किया। साहिल ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं कमजोर पड़ गई थी, थोड़े वक्त के लिए मैं भटक गई थी, सेल्फिश हो गई थी मैं उसके प्यार में। मगर सच मानो तन, मैंने हमेशा उससे तुम्हारे पास जाने के लिए ही कहा है, हमेशा उससे रिक्वेस्ट की, उससे झगड़ा किया है, और हमेशा मैंने उससे यही कहा है कि सच्चा प्यार उसे मुझसे नहीं सिर्फ तुमसे मिलेगा। तन अनन्या, मैं इस वक्त ऐसी बातें सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करेंगे। तनु प्लीज फोन मत काटना, मुझे बताओ क्या बात हो गई, साहिल ने फिर से तुमसे कुछ कहा? अनन्या, मेरी जिंदगी में साहिल के अलावा और भी कुछ है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा बच्चा बीमार है और इस वक्त मैं किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। और प्लीज तुम भी मुझे फोन करके परेशान मत करो। हेलो हेलो तनु, हेलो शीतल, शीतल तनुदी का फोन आया था। कोई परेशानी होगी? हाँ शीतल, शांतनु की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर से चेकअप करवाया था शीतल, लेकिन डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, दवाइयां फायदा नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? ये भी शीतल, हमें वहां चलना चाहिए। अकुल, तुम मम्मी जी या पापा जी के साथ तनु दीदी के यहाँ चले जाओ, वो उनके माता पिता हैं और घर के बड़े भी, ऐसे में अपनों का सहारा। ठीक है, मैं जाता हूँ मॉम के साथ।